Savoy Centenary Museum, 1901-19, 2001. यह है डिग बॉय सेंटेनरी म्यूजियम, इसको हम देखेंगे। एशिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड यारे की बात पे लिखा है सर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम ऑयल डिवीजन। कैसा डेल है तू? ये अपने रूम में गुंडो मारी सिलेज़ है। इधर बस्ता हुई थी। अच्छा आज ही देख लो दे फर्स्ट टाइम। मुझे भाभी जो है ये क्रूड ऑयल है बोंगा होए ना कि अनुगामी भाभी चलो। ये है डिग बॉयल। ये तो कि यूरो बॉयलर फीड फार्म। अच्छा आओ की लिखा है यार, एने ये तो डेमो टाइप ऑफ डी 20 है ना, एक वॉकिंग स्टीम विंच। ये बाकी वस्तु বস্তু গমটো নাপাওঁ আমি। ব্ৰুমছ এণ্ড ৱেট এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ, এইবিলাক মেচিন আছে আৰু না। আগৰ যুগৰ বস্তু, সেইটো এনে ডেমো টাইপত থৈ দিছে। পুৰণা জামানা কা ভেস্পা। फायर सर्विस इक्विपमेंट, फायर सर्विस इक्विपमेंट एनका सिस्टम आगते 5 लाइन्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। डेमोटा भी बना था इंडिया से आया ओरिजिनल टू विटर सिमेंटी सॉफ्ट फ्लोर। ये सिमेंटी सॉफ्ट फ्लोर यार ये कुटे की लिखा है की लिखा है साल साले गम पा जाबो इटा। तो क्या लिखा है डेड वेट टाइप सेफ्टी वाल्व ऑफ मेन स्टीम हेडर बेंसी स्टीम कंट्रोल वाल्व ऑफ बेंसी। ये वाटर बूस्टर पंप एंड मोटर ऑफ बेंसी मैंने खोजा थी दीजिए। फोर्सिंग मेन स्टीम इंजन ये हो गया। ये है अच्छा वाह यूट्यूबर दीदी तो डांगर और बोलतो की आसे सासुन आज फर्स्ट टाइम देखिल ये हो गया कॉक सूट। कॉक सूट हो गया। ये हो गया हॉट ऑयल पंप विथ चार्ज ब्लॉक। कुछ लिखा हुआ है
इसमें क्या है पता नहीं है, इसमें क्या क्या है। असले ये है हेवी ड्यूटी साकर रोड पंपिंग वेल हेड, ये हो गया हेवी पंपिंग वेल हेड। अच्छा ये सब दिखाई देता है बाहर में, और बेसिक कोई ऐसा नहीं है। क्रिसमस ट्री और एक्समस ट्री कौन सा है रे, ये है क्या एक्समस ट्री, एक्समस ट्री। ये हो गया साकर रोड पंपिंग ऑयल हेड, ठेकी पाम और नोडिंग डोंकी नॉन पॉपुलरली इन लोकल ऑयल पार्लेंस इज टेकी पाम। आई एम नॉर्मली यूज टू पाम आउट क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल ऑफ सेलो टिप रेंजिंग फ्रॉम ट्री 100 मीटर्स टू अबाउट 500 मीटर्स। ये है इसका पाम, ये हो गया ऑयल पाम है। इसके बगल में फायर ब्रिगेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये ऑयल ये होना चाहिए ऑयल, ये नो स्मोकिंग ये सब होना चाहिए। ये हो गया क्या है ऑयल का स्टेशन, ऑयल पंप। ये हो गया क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑयल नंबर 1 डीप ऑयल ऑयल फील्ड। ऑयल इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड असम ऑयल डिपो सेंटेनरी म्यूजियम डिस्कवर ऑयल नंबर 1। स्पार्स कमर्शियल ऑयल वेल डिस्कवर ऑयल नंबर 1 डिपॉय वेल स्पॉटेड इन बाय पर्क्यूशन मेथड इन सितंबर 1889, ऑयल पार्स स्ट्रक इन अक्टूबर 1889, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड इन नवंबर 1890, 202 मीटर्स फ्लो since 1927, sand body Nahor, cumulative production 622 kls, rate of production 909 liter per day, final abandon 1932। ये है फर्स्ट इंडियन ऑयल, ये भी निकाला गया था हट्टी के ऊपर जो पाँव में लगा हुआ था ना, ये भी निकाला था ना। ऑयल वाटर सेपरेटर, ऑयल वाटर सेपरेटर। ये ऑयल हो गया क्या क्या है रे,
sir. CSR Moon Engine. ये क्या है इसमें लिखा हुआ है? Hi, my name is CSR Moon Engine. Was installed in the Quality Control Laboratory of Digboi Refinery in 1938. I served the department very loyally. In fact, I am still in good health, but was transferred to the museum as a modern computerized colleague joint laboratory. पहले जमाने में यहाँ पे तेल निकाल के यहाँ पे रखा था, मतलब यहाँ से प्यूरिफाइड किया गया था, फिल्टर ये हो गया, क्लार्क कंप्रेसर. आई एम क्लार्क कंप्रेसर एंड वाज एन इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ द विंटेज डिगबोई रिफाइनरी. आई एम रन बाय smoke gas engine and was used for ammonia refrigeration duty. People from different parts of India and abroad have worked with me. पूरा ये लिखा हुआ है, इसका काम क्या है? वाओ, अपने जमाने का स्टीम इंजन है. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है. ये लिखा हुआ है हसांग. हसांग का मीनिंग क्या है कुछ पता नहीं है. इस प्रकार का था ये हो गया स्टीम इंजन. इसके साथ साथ रास्टन एंड ऑर्नसी Owns by, ये क्या लिखा हुआ है? Owns by हसांग. हसांग का मीनिंग क्या है कोई बता सकता है? ये ऑयली ऑयल है, कहीं भी देखो. गर्मर कारण उलाइसे ना, ऑयली उलाइसे तो अलग कतरा है कोल्टर. वाओ, कहीं भी ऑयली ऑयल कोल्टर जैसे लग रहा है. ये तो ऑयल नहीं है, है ना? डिगबोई ऑयल सेंटेनरी म्यूजियम ना. वेस्पा, पुराने जमाने का वेस्पा. फॉर्गिंग स्टीम हैमर.